नशे के खिलाफ जिथे पंजाब पुलिस वालों वक्त वक् ऑपरेशन छेड़े जा रहे हैं उत्थे ही बीते दिन अमृतसर देहाती पुलिस वालों पिंड माहल विच गुरुद्वारा साहिब विच पिंड वासियों नाल मिलके अहम मीटिंग की गई जिस विच उन्हां नू नशे के खात्मे लई पुलिस नू सूचना देने की अपील करदिया नाम गुप्त रखने की गल आखी है। इस संबंधी गलबात करदिया पिंड वासी रावल सिंह ने दस्सिया है कि पिंड विचों नशे के खात्मे लई असीं पुलिस नू हर पासों सहयोग करन लई राजी हां पर कुछ पुलिस अधिकारी सूचना देने वाले दा नंबर नशे के सौदागरां नू दे के दुश्मनी पवा खुद नशे दे सौदागरा दी पुलिस नाल मिली भुगत नाल करोड़ा दी प्रॉपर्टी बनाई बैठे हैं। असी पुलिस दी मदद करांगे पर पिंड वासी उपर कोई भी समस्या बनी ते असी उस पुलिस अधिकारी दे घर ते दफ्तर दा घेराव करांगे। असी पंजाब सरकार दे जिहड़ा दृढ़ संकल्प लिया नशे नूं खत्म करन संबंधी पिंड वासियों दे सहयोग लैण वास्ते असी इत्थे मीटिंग ऑर्गेनाइज कीती सी। पिंड वासियों ने सानूं बड़े निघे सुभाअ नाल सहयोग देण दा वादा कीता तो असं उन्हों का धन्यवाद करते हैं ता जो इस पिंड नशे का खात्मा किया जा सके। मुश्किल उन्होंने यही कहा कि कई बार साड़ी पुलिस से ला रहे थे भी अं दसते हैं पुलिस फटती नहीं है तो असं उन्होंने विश्वास दवाया कि यह जी कोई गल नहीं होगी तुम सूँ गुप्त तौर पर इनफॉर्मेशन दो असी उन्होंने खिलाफ बनती कार्रवाई करेंगे। असी अपना SHO का तो मैं अपना नंबर देता ही क्योंकि गुप्त तौर पर सूँ मैसेज करो भी है बंदा इतने कोई गतिविधि करता बिल्कुल पवेगी। अभी रल मिल के पिंड के सहयोग पूरी तनदेही मेहनत करेंगे मेहनत कीता कि जिहड़ा काम नहीं हो सकता। सर देखा जाता कि पिंड जो नशा इन्हें तोड़ तोड़ के बेचा जाए जो कि जो वे मगरमाश ने पुलिस की पहुंच तो दूर ने असी पहला छोटे नूं फड़ांगे उत्थों भी अगे उन्होंने फारवर्ड तो जो बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अगे चलेंगे वड्डे मगरमच्छा नूं भी फड़ांगे यही अभी भी एक दो ग्राम वाले फड़ के तो मुड़ के उस तो बंद कर किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। साडे DGP साहब वालों सख्त हदायतां वा भी नशे के सौदागर किसी ने किसी भी कीमत माफ़ नहीं किया जाएगा तो उसकी हैल्प करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिंड वासियों के नाल तुहाडी मीटिंग हुई है जे कल नूं कोई पिंड वासियों के विच अपने ही घरेलू बंदा इस मामले के विच पाया जांदा कि उही कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे ते बिल्कुल नशा वेचण वाला कोई भी होवे ईवन साडा मुलाजम भी क्यों ना होवे हर एक के खिलाफ बराबर की कार्रवाई की सरकार ने सब तो पहले हदायत की भी जेडे साडे छोटे बच्चे आदि हो चुके हैं उन्होंने एक मौका दे के नशा छुड़ाऊ केंद्रों में भेज के नशा छुड़ाया जाए तो जेडे वेचण वाले उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम जी रावलदीप सिंह मैं पिंड माल का रहने वाला जी। अच्छा प्रशासन मीटिंग होगी विश्वास तो उन्होंने पूरा दिता भी अं जिन्ना भी नशे का खात्मा ही करांगे तुसीं साडा कहिंदे ही वध चढ़ के संजोग दो तो असी इन्हों का वध चढ़ के संजोग देवे तो सानू इन्हों तो हूँ बहुत ज़्यादा उम्मीद आ भी ये साढ़े पिंड दे विचों नशा खत्म करनगे। जो पिंड वासी प्रशासन दसदे भी आ बंदा नशा वेचदा उस तो बाद धरना दुश्मनी पै जाती कि पुलिस ने सारी गल्लां बातें कीतियां दुश्मनी तो चलो हर बंदा इस चीज़ को लैके डरदा ही है जां फिर प्रोटैक्शन दी जाए भी जां जे आपां किसी कल्ले कल्ले बंदे का नाम लईए तो जे फिर यह नहीं है तो चलो आपां हुण इन्होंने सानू एक वट्सएप कॉल नंबर दिता वा भी उत्ते तुसीं सानू बंदे का नाम लिख के तो उसका मोबाइल नंबर जां उसका पता एड्रैस पा दो तो असी जाणीए साडा काम लैणे। बिल्कुल सच है जी बिल्कुल सच है पब्लिक वालों कोई सपोर्ट नहीं की जाएगी जे कोई पिंडों साडे सपोर्ट करूंगा मैं भी खिलाफ होऊंगा इन्ना खिलाफ होऊंगा घर के बाहर धरना ला दांगा। मैं उन्होंने यो वार्निंग देना चाहना भी इनू सिस्टम नू खत्म ही कर दो तो चंगे रहोगे नहीं तो यदा तुहानू रिजल्ट बहुत ज़्यादा माड़ा मिलेगा। किन्ने के लोग इहड़े पिंड दे विच नशा वेचदे मेरे हिसाब नाल ते की उहनू कहिंदे 50 तों वध होणे आ ते 50 तों वध होणगे मतलब 50 बंदियां तों वध नशा वेचदे ने जिहड़े मैनू 20 ते मैनू बाय नेम पता दे ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਪਰ ਰਾਵਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 100% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
पता नहीं यार ये तो उन्होंने लत लगी है ना वेचण की, जिदा किसी पीण की लगी होंगी है इदा वेचण की भी लत ही लगी है, पर हूँ कोई गल नहीं पुलिस अपनी पूरी मेरे हिसाब से तह दिलों करूगी अपने। हाँ जी कानूनी भी आप कानून हाथ च नहीं लेना चाहते, पुलिस ही है पूरी, जेड़ा कोई नशे वेचता वो खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करे। अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज।